आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी नेता अब महंगाई और राफेल डील का मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाने की तैयारियों में जुट गई हैं। पूर्व सीपीएस और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश धर्मानी ने महंगाई को लेकर वर्तमान एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा और राफेल डील को महाघोटाला करार दिया। आज पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के भाव जो हैं वो कहाँ पहुँच गए हैं। रसोई गैस के दाम तो दो गुना ज़्यादा हो गए। जिस तरह से नोटबंदी और जीएसटी से लोगों को जो है मुश्किलें हुई हैं वो भी लोगों के सामने हैं। मैं समझता हूँ कि आज 2014 की स्थितियाँ और 2019 की परिस्थितियाँ जो हैं बिल्कुल भिन्न हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय में जो है वो राजनीतिक माहौल बदला है और ये उल्टा होगा। जो भाजपा को चारों सीटें मिली थी, इस चुनाव में आने वाले चुनाव में चारों सीटें कांग्रेस को मिलेंगी ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। राफेल घोटाले की बात है, इसमें भी जो राहुल गांधी जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने संसद के अंदर जो आरोप लगाए, हमारे प्रधानमंत्री जी एक भी आरोप का जो है वो जवाब नहीं दे पाए। कांग्रेस के समय में जो विमान 526 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए जो था मूल्य तय हुआ था, आज इनके टाइम में 1670 करोड़ का जो है वो दाम इन्होंने तय किया है। लेकिन वो ऐसे सीक्रेसी के नाम पे जो है इस तरह से लोगों को ठग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें जनता का पैसा जो है वो सीधे तौर पर एक ऐसे पूंजीपति को, जो मोदी जी के दोस्त हैं, उनको जो है देने की बात हो रही है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।